सिलेक्शन माइंड के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल की, एक ऐसा गवर्नर जनरल जिसने पुरातत्व विभाग का गठन किया, जिसने अकाल आयोग की भी स्थापना की, एक ऐसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल की जिसने पुलिस आयोग का गठन किया और जिसके शासनकाल में ही बंगाल का विभाजन हुआ, एक ऐसा गवर्नर जनरल जिसने सिंचाई आयोग का भी गठन किया। हम बात कर रहे हैं लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन ने जनवरी 1899 में भारत के वायसराय का पद ग्रहण किया। लॉर्ड कर्जन एक योग्य शासक था। भारत में वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल काफी उथल पुथल का रहा। लॉर्ड कर्जन के विषय में पी रॉबर्ट्स ने लिखा है, भारत में किसी अन्य वायसराय को अपना पद संभालने से पूर्व भारत की समस्याओं का इतना ठीक ज्ञान नहीं था जितना कि लॉर्ड कर्जन को। कर्जन ने जनमानस की आकांक्षाओं को पूर्ण रूप से अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश हुकूमत को पत्थर की चट्टान पर खड़ा करने का प्रयास किया। तो आज हम इसी लॉर्ड कर्जन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। लॉर्ड कर्जन ने भारत में शिक्षा और आर्थिक सुधारों के लिए मुख्य रूप से कार्य किए थे। भूमि पर लिए जाने वाले भूमिकर को और अधिक उदार बनाने के लिए उसने भूमि प्रस्ताव भी पारित किया था। आइए लॉर्ड कर्जन के महत्वपूर्ण कार्यों को हम कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ये ट्रिक है, पूरा विश्व अकाल, पुलिस बना सिंचाई हॉल। पूरा विश्व अकाल, पुलिस बना सिंचाई हॉल। इसमें पूरा का मतलब है पुरातत्व विभाग, विश्व का मतलब है विश्वविद्यालय आयोग, अकाल का मतलब अकाल आयोग, पुलिस का मतलब पुलिस आयोग, बना का मतलब बंगाल विभाजन, सिंचाई का मतलब सिंचाई आयोग का गठन और हॉल का मतलब विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण। ये लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य हैं। आइए इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सुधार कार्य। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण सुधार कार्य इस प्रकार से हैं। पहला सुधार कार्य, पुलिस सुधार। पुलिस सुधार के अंतर्गत कर्जन ने 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की स्थापना की। 1903 ईस्वी में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आयोग ने पुलिस विभाग की आलोचना करते हुए कहा कि यह विभाग पूर्णतः अक्षम, प्रशिक्षण से रहित, भ्रष्ट एवं दमनकारी है। आयोग द्वारा किए गए सुझावों के आधार पर सभी स्तरों में वेतन की वृद्धि, प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्रांतीय पुलिस की स्थापना व केंद्रीय गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की व्यवस्था की गई। अगर शैक्षणिक सुधार की हम बात करें तो शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने 1902 ईस्वी में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा गया। विश्वविद्यालय की सीनेट में मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। गैर सरकारी कॉलेजों का विश्वविद्यालयों से संबंधित होना अत्यधिक कठिन बना दिया गया। अगर हम लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों के बारे में चर्चा करें तो आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने 1899 से 1900 ईस्वी में पड़े अकाल व सूखे की स्थिति के विश्लेषण के लिए सर एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। अकाल आयोग ने कहा, अकाल सहायता व अनुदान में दी गई सहायता पर अनावश्यक बल दिया गया। आयोग ने यह भी कहा, कार्य करने में सक्षम लोगों को उनके कार्य में ही सहयोग करना चाहिए। अगर लॉर्ड कर्जन के कुछ कृषि संबंधी सुधारों के बारे में हम चर्चा करें तो 1901 ईस्वी में कृषि के इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई। पुणे में कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना भी की गई।
कर्जन ने यह आदेश दिया कि मौसम की स्थिति के अनुसार लगान की सरकारी मांग में परिवर्तन होना चाहिए। अगर हम लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के सैनिक सुधारों पर चर्चा करें तो 1900 में लॉर्ड किचनर भारत का सेना अध्यक्ष होकर भारत आया। उसने सैन्य सुधारों की ओर विशेष ध्यान दिया। 1900 में स्थानीय पैदल सेना को पुनर्संगठित किया और 4 दुगनी कंपनियों के दस्ते संगठित किए गए। देसी अफसर ही प्रत्येक दस्ते की आंतरिक व्यवस्था के लिए नियुक्त थे तथा फौजी परेड एवं युद्ध भूमि में ब्रिटिश अफसर ही उनका संचालन करते थे। 1902 तथा 1904 के बीच मोपला, गोरखा, पंजाबी रंगरूटों को पैदल एवं अश्व सेना में बड़ी संख्या में भर्ती की गई। आइए अब हम लॉर्ड कर्जन के न्यायिक सुधार की बात करते हैं। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया। उसने उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन एवं पेंशन में वृद्धि की। उसने भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता को संशोधित करते हुए परिवर्तित कर दिया। अगर हम लॉर्ड कर्जन के अन्य सुधारों पर चर्चा करें तो भारतीय रेलवे के विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक रेल लाइनों का निर्माण लॉर्ड कर्जन के समय पर ही किया गया था। भूमिकर को अधिक उदार बनाने हेतु लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 जनवरी 1902 को भूमि प्रस्ताव लाया गया था। 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम पेश हुआ जिसमें कम ब्याज दर पर उधार की व्यवस्था की गई। इस वीडियो में हमने लॉर्ड कर्जन के बारे में जाना। उसके द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों को हमने ट्रिक के माध्यम से भी याद किया। कुछ सुधार कार्यों को हमने विस्तार से पढ़ा जिसमें से पुलिस सुधार, शैक्षणिक सुधार, आर्थिक सुधार, कृषि संबंधी सुधार, सैनिक सुधार, न्यायिक सुधार एवं अन्य सुधार प्रमुख थे। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने जाना लॉर्ड कर्जन और उसके द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।